नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। पटना IIT के छात्रों ने 36 महीना शोध के बाद तैयार किया लो वेट बैटरी इन्वर्टर BMS किट, जिससे देश के अलग अलग सीमाओं पर तैनात जवानों को देर रात सर्च ऑपरेशन में लाइट की आवश्यकता को करेगी पूरी। तो वहीं चीन से आने वाले BMS और सर्किट किट को अब IIT में ही किया जाएगा तैयार। पहले चीन से भारत आती थी यह BMS किट्स, जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स बैटरी गाड़ी में लगाई जाती थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के फिजिकल डिपार्टमेंट के छात्रों ने एक ऐसा उपकरण ईजाद किया है, जिसके कारण भारत की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। इस उपकरण की वजह से इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले दो पहिया और तीन पहिया वाहनों में भारत निर्मित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ेगा और संभवतः उसकी कीमती में भी कम आएगी। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार बढ़ावा दे रही है, ऐसे में इससे जुड़ी स्वदेशी तकनीक का फायदा देश को मिलेगा। यह कार्य IIT पटना के छात्रों ने 36 महीना के लगातार शोध के बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को मिला पेटेंट। पटना IIT ने के शोध को केंद्रीय पेटेंट कार्यालय में भी पेटेंट दे दिया है। IIT के छात्रों ने एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और बैटरी के प्रबंधन के लिए एक निष्क्रिय संतुलन विधि का निजात किया है। IIT में तैयार हुआ सर्किट और BMS सर्किट, BMS ट्रांसफर आदि तैयार किया गया है। भारतीय बाजार में इसका फायदा होगा। शोध किया है आपने और कितनी लंबी चली आपकी शोध और क्या परिणाम मिला इसका? हम लोगों ने अभी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन किया है, जो कि आपको बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसको सेफ ऑपरेटिंग एरिया में यूज करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो हमारा ये शोध है वो लगभग एक छोटे सेल, सिंगल सेल से लेके एक बड़े बैटरी पैक जो कि थ्री व्हीलर तक में यूज हो सकते हैं, उसके लिए हमने सर्किट डिजाइन किया और इसमें हमें लगभग 36 मंथ का टाइम लगा। मतलब किस तरह फायदा मिलेगा लोगों को, इसका क्या होगा इससे? सर, जैसे हम लोग ई रिक्शा यूज करते हैं, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी पैक्स यूज होते हैं। लिथियम आयन बैटरी पैक एक टाइम के बाद डिस्चार्ज होने लगती है या उसके थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करता है, तो उससे क्या होता है कि आग लगने की संभावना होती है या फिर स्पार्क से किसी को जान की भी हानि हो सकती है। तो उन चीजों से बैटरी को वो पहले ही प्रोटेक्ट कर देगा और वार्निंग मैसेज देगा, जिसके कारण जो ड्राइवर होगा उस चीज को हैंडल कर सकता है। अभी तक ये चीज भारत में थी या पहली बार आप लोगों ने लॉन्च किया? सर, ये चीज हमारा मैक्सिमम इंडिया में एक्सपोर्ट होके आता था चाइना से, तो इस चीज़ को हम लोगों ने रिसेंटली हमें पेटेंट भी ग्रांट हुआ है इसके लिए और ये लगभग 20 साल का हमें कॉपीराइट मिला। क्या इससे आम जनता को फायदा मिलेगा? खास करके रेट की बात की जाए तो चाइना का जो टैक्स वगैरह लगता था उससे लोगों को राहत मिल पाएगी? यस सर, क्योंकि ये लोकल मेड है, चाइना से जो भी सामान आते थे उस पर कोई वारंटी, कोई गारंटी और कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड होती थी। हमने जो भी डिज़ाइन किया है ये हमारा खुद का डिज़ाइन है और हम इस पर किसी को गाइड भी कर सकते हैं, किसी की समस्या के उनके यूज के अकॉर्डिंग हम अपना भी डिजाइन कर सकते हैं। मकसद क्या था? मकसद था सर चाइना से इंपोर्ट को रोकना, अपना भारत में ही डेवलपमेंट करना, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही इस चीज का आविष्कार करना। मेरा नाम सौरभ कुमार राय। मैं सर क्या कहेंगे, IIT पटना ने एक शोध किया है, तकरीबन 36 माह चला और अब आपको कामयाबी मिली। बिल्कुल, सबसे पहले कि ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो अभी इंडिया में रिसेंटली आया है लिथियम आयन बैटरी के कारण, और अभी तक ये सारा सर्किट क्या है कि चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हम लोग टोटली चाइना पे ही डिपेंडेंट है, उसको हम लोगों ने चाहा कि उसको रोक के हम लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए जो हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत कामयाबी होगा, जिसको हम लोगों ने लगभग 36 महीने के आसपास हम लोगों ने बनाया है और 1S से लेकर 20S अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने इसको सर्किट डिज़ाइन किया है। जैसे ये हमारा देख रहे होंगे कि ये हमारा टू व्हीलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकता है BMS, ऐसे ही हमारा ये थ्री व्हीलर एप्लीकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है, जो हमें परसों 9 नवंबर को हमें पेटेंट इसका मिला है, जो 20 साल के लिए इसको हमको कॉपीराइट मिला है। क्या कहेंगे, पहले चाइना से ये प्रोडक्ट आ रहा था, अब भारत खुद इसे बना रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है कि हम फॉरेन ट्रेड करेंसी को रोक सकते हैं और हमारा पैसा हमारा अपने सरकार में रहेगा, भारत में रहेगा।
आगे भी कोई इस तरह के शोध आईआईटी करेंगे। बिल्कुल, और हम लोग अभी इन्वर्टर का भी डिज़ाइन हम लोगों ने किया है जो एक डिफेंस एप्लीकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसका काफ़ी कम लाइट वेट है और ज़्यादा बैकअप मिल सकता है, जो हमारे आर्मी पर्सन्स हैं उनको काफ़ी उपयोगी उनके लिए साबित होगा।